नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। दिवाली से पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नए युग के कंपोजिट सिलेंडर का शुभारंभ किया। ये कंपोजिट सिलेंडर इंडियन ऑयल ने तैयार किया है। बता दें कि इस कंपोजिट सिलेंडर के लिए इंडियन ऑयल को बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इस सिलेंडर से जनता को एक नया विकल्प मिलेगा। वहीं लखनऊ वासियों के लिए यह सिलेंडर उपलब्ध हो चुका है। इसके अलावा कई और अन्य जिलों में भी इसकी शुरुआत हो जाएगी। वहीं इस अवसर पर इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक और राज्य प्रमुख डॉक्टर उत्तरीय भट्टाचार्य ने पहला 10 किलो का कंपोजिट सिलेंडर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भेंट किया। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि फाइबर से बना होने के कारण यह स्टील सिलेंडर की तुलना में करीब 50% हल्का है। वहीं साथ ही सुविधाजनक और जंग रोधक भी है। साथ ही पारदर्शी होने के कारण उपभोक्ता सिलेंडर में एलपीजी की मात्रा का भी अवलोकन कर सकेंगे। इनसे अचानक से एलपीजी खत्म होने की समस्या का समाधान भी मिलेगा। वहीं इंडियन ऑयल के कार्यकारी निदेशक ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए बताया कि जनपद लखनऊ, वाराणसी और कानपुर वॉटलिंग प्लांट में कॉम्पोजिट सिलेंडरों का उत्पाद पूरी क्षमता से हो रहा है। यह आकर्षक फाइबर सिलेंडर ग्राहकों को 5 और 10 किलोग्राम वेरिएंट में उपलब्ध होगा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।